वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में ब्रेक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स है इसमें ब्रेक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रेक इज अ डिवाइस यूज टू, एक ब्रेक है जो कि कौन सी डिवाइस में यूज होती है। इसका आंसर है रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी मोशन कर रही हो तो उसको रिटार्ड करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा अ ब्रेक इज अ डिवाइस यूज टू रिटार्ड आर स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट है, द ब्रेक कॉमनली यूज इन कार्स इज, कारों में कौन सा ब्रेक इस्तेमाल होता है। इसका आंसर है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक टाइप का ब्रेक इसमें कार में इस्तेमाल होता है। द ब्रेक कॉमनली यूज इन कार्स इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। नेक्स्ट है, द ब्रेक कॉमनली यूज रेलवे ट्रेन इज, रेलवे ट्रेन में कौन सा टाइप का ब्रेक इस्तेमाल होता है। इसका आंसर है शू ब्रेक। शू ब्रेक टाइप का ब्रेक जो होता है वो रेलवे ट्रेन में इस्तेमाल होता है। सो द ब्रेक कॉमनली यूज इन रेलवे ट्रेन इज शू ब्रेक। नेक्स्ट है इसमें, फॉर अ बेंड ब्रेक, द विड्थ ऑफ बेंड फॉर अ ड्रम डायमीटर ग्रेटर देन 1 मीटर शुड नॉट एक्सीड। बेंड ब्रेक के लिए जो विड्थ ऑफ बेंड होता है जिसका ड्रम डायमीटर है 1 से 1 मीटर से ज़्यादा, वो इसमें कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। इसका आंसर है 150 mm। अगर उसका ग्रेटर डायमीटर है ग्रेटर देर है 1 मीटर से, तो इसका जो एक्सीड है वो 150 mm से ज़्यादा नहीं होगा। तो फॉर अ बेंड ब्रेक द विड्थ ऑफ ड्रम बेंड फॉर अ ड्रम ब्रेक ड्रम डायमीटर ग्रेटर देन 1 मीटर शुड नॉट एक्सीड 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑन टाइट एंड सिलेक्ट साइड्स गिवन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अगर बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक जो होता है इसके लिए जो टेंशन रेशियो होता है वो 1+μ10θ और 1-μ10θ √n होते बराबर होता है। तो टेंशन रेशियो इसका क्या हो जाता है, ये b के बराबर होगा। तो क्या वो 1+μ10θ और 1-μ10θ √n, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर एनाउ टू अप्लाई द ब्रेक विथ एक्सटर्नल फोर्स देन द ब्रेक सेट टू बी। जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो तो उसमें जो ब्रेक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो इसके लिए ब्रेक को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहलाता है। उसमें सेल्फ लॉकिंग ब्रेक का इस्तेमाल होता है, इसको सेल्फ लॉकिंग ब्रेक बोलते हैं, जो स्वयं के द्वारा लॉक हो जाता है। व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेट एनाउ टू अप्लाई द ब्रेक विथ एक्सटर्नल फोर्स दैट द ब्रेक इज सेट टू बी सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। नेक्स्ट है, द ब्रेक शुड बी, इसका आंसर है सेल्फ एनर्जाइजिंग। जो ब्रेक होता है वो स्वयं के द्वारा हो जाता है, तो सेल्फ एनर्जाइजिंग हो जाता है। नेक्स्ट है, द सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इज यूज्ड, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका आंसर है ओनली इन ब्रेक स्टॉप एप्लीकेशंस। जो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक होता है इसका इस्तेमाल केवल ब्रेक स्टॉप एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो द सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इज यूज्ड ओनली इन ब्रेक स्टॉप एप्लीकेशंस। क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज, सेल्फ लॉकिंग मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है। इसका आंसर लेस देन 50%, 50% से कम होती है। सो एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज लेस देन 50%। द डायनामीटर इज अ डिवाइस विच, डायनामीटर डिवाइस जो होता है वो किसके लिए होती है। इसका आंसर है मेजर्स द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो द डायनामीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, द रोप ब्रेक डायनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, रोप ब्रेक डायनोमीटर जो होगा उसका इस्तेमाल किसका मेजर करने के लिए होता है। इसका आंसर है ब्रेक हॉर्स पावर, BHP निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो द ब्रेक रोप ब्रेक डायनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर, कौन सा एक ऐसा है जो कि ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर में नहीं आता। इसका आंसर है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन
टाइप डायनोमीटर, इसका आंसर है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। नेक्स्ट है इन रोप ब्रेक डायनोमीटर द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज गिवन बाय। रोप ब्रेक डायनोमीटर में ब्रेक पावर ऑफ द इंजन होता है वो कितना होता है डब्ल्यू माइनस एस पाई डी एन अपॉन 60 के वॉट्स के बराबर। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर में जो होता है ब्रेक पावर ऑफ द इंजन होता है ये कितना होता है डब्ल्यू माइनस एस पाई डी एन अपॉन 60 वॉट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है द ब्रेक्स कॉमनली यूज इन रेलवे ट्रेनसेज। रेलवे ट्रेन में कौन सा इस्तेमाल होता है शू ब्रेक होता है। द ब्रेक कॉमनली यूज इन मोटर कार्स, इसमें इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक इस्तेमाल होता है। इसके बाद दिया हुआ एक ये डायग्राम दिया हुआ है इन अ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक इज शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ डिफरेंशियल द लेंथ ओ ए ये जो दिया हुआ है इज ग्रेटर देन ओ बी से ये बड़ा है। इन ऑर्डर टू अप्लाई द ब्रेक द फोर्स पी एट सी शुड बी, यहाँ पर पी पॉइंट पर लोड अप्लाई हो रहा है सो इसमें क्या हो जाएगा एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट इसमें फॉर अ ब्रेक टू बी सेल्फ लॉकिंग द फोर्स पी एट सी इज शोन इन फिगर 19.45। ये जो डायग्राम है इसमें सेल्फ लॉकिंग ब्रेक का बताया गया तो इसमें कह दो बी जीरो जीरो रहेगा। नेक्स्ट इसमें व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ऑल द फोर व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विल बी, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रहेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर होता है और रोप ब्रेक डायनोमीटर होता है। डायनोमीटर जो टाइप होते हैं एक प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर होता है और एक रोप ब्रेक डायनोमीटर होता है।